चलिए, इलस्ट्रेशन 10th तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज इलस्ट्रेशन 11 स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में देखे थे, हालांकि टॉपिक्स तो वही है, लेकिन थोड़ा सा एक अपर लेवल पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है इलस्ट्रेशन 11th में। पहली ट्रांजेक्शन दी है मार्च 1 को, बोट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख। मैंने आपको कल बताया था जब इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन आती है तो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन को एक साथ करने के बजाय इसको पहले छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके क्वेश्चन को समझो पहले कि क्या ट्रांजेक्शन दी गई है। तो पहले सिर्फ मैं यहाँ तक पढ़ता हूँ, बोट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख। ये ट्रांजेक्शन मुझे ये बता रही है कि विश्वास से ₹1 लाख के गुड्स खरीदे। तो यानी कि जब भी गुड्स खरीदे जाते हैं तो एक अकाउंट तो आपका सीधा सीधा परचेज अकाउंट दिख रहा है, और परचेज अकाउंट होता क्या है, डेबिट होता है क्योंकि खर्चे। चलिए, दूसरी चीज हमें ये देखना होता है कि जो परचेज की है वो किस फॉर्म में की है, क्या वो नगद की है कैश में तो दूसरा अकाउंट कैश आ जाता है, क्या वो चेक के द्वारा की गई है चेक दे के तो बैंक आ जाता है, या फिर उधार है तो जिससे उधार लिया है उसका नाम आता है। तो हमने अब तक सीखा है कि जब तक आपको इस तरीके की ट्रांजेक्शन दे और किसी व्यक्ति का नाम लिख दे और साथ में कुछ बताया ना जाए कि कैश में है क्या, तो हम उसको मानते हैं उधार। तो फिलहाल मैं सिर्फ इतनी स्टेटमेंट देखूं तो इसमें तो मुझे इतना पता चल रहा है कि विश्वास से ₹1 लाख के उधार सामान खरीदे, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट में फिलहाल, बाकी आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं। उसके बाद है 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो ट्रेड डिस्काउंट आती, सबसे पहले तो हमें ट्रेड डिस्काउंट घटाना पड़ता है क्योंकि उसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करते ही नहीं है, अलग से ट्रेड डिस्काउंट को नहीं शो किया जाता, अलग से शो करते हैं कैश डिस्काउंट को। तो जो लिस्ट प्राइस होता है, टोटल अमाउंट है ये 1 लाख का, इसमें से ये 20% माइनस होंगे एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए। तो 1 लाख का जब आप 20% निकालेंगे तो 20,000 बनता है। तो बेसिकली 1 लाख के गुड्स को 20,000 की बचत में बेचा है, डिस्काउंट में छूट में, तो 80,000 के गुड्स बेचे। तो एक चीज तो हमें यहाँ पता चल गई कि जो परचेज अकाउंट हमें डेबिट करना है क्योंकि ये आपके एक्चुअल अमाउंट से डेबिट होता है, तो यहाँ तो 80,000 आएगा। तो एक चीज तो पक्की होगी यहाँ तक कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कितने से होगा, 80,000 से डेबिट होगा। उसके बाद देखो क्या दिया है, 5% कैश डिस्काउंट। अब हमें पता है कि कैश डिस्काउंट तो केवल तभी दिया जाएगा जब कैश की पेमेंट होगी और जितने की पेमेंट होगी। अब तक तो हमें ये बताया गया था कि ये उधार सामान है, उधार बिक्री है, तो उधार में तो कैश डिस्काउंट लगता नहीं है। लेकिन आगे देखो कुछ बताया है, आगे बताया है पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, यानी जब सामान खरीदा था ना उसी टाइम पे सारे पैसे पे कर दिए थे। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ तक जो हमें लग रहा था क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो एक्चुअल में कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया ना सारा पैसा पेमेंट कर दिए। तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, टू में क्या आएगा, टू में आएगा कैश अकाउंट। और जहां पे कैश आएगा वहां पे अगर डिस्काउंट है, कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, तो साथ के साथ डिस्काउंट भी आएगा, दोनों चीजें साथ में चलती हैं। तो अब देखो परचेज तो डेबिट होगा 80,000 से, लेकिन कैश कितना मिला, मतलब कैश हमने दिया है, सॉरी मिला नहीं, हमने दिया है, हमने गुड्स परचेज किए तो कैश कितना दिया हमने भाई, 80,000 देने थे लेकिन 5% की छूट मिल गई हमें, तो 80,000 में से 5% घटा देंगे, 80,000 का 10% बनता है 8,000 और 5% बनता है 4,000। तो 4,000 का डिस्काउंट मिल गया, यानी 80 में से ₹4,000 कम देने पड़ेंगे। तो कितने कैश दिया, 76,000 का कैश दिया। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 से, ट्रेड डिस्काउंट घटा के टू कैश, कितना कैश मिला है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों घटा के, और टू डिस्काउंट, डिस्काउंट कौन सा, केवल और केवल कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते हम अलग से। तो ये तो हो जाएगी इसकी एंट्री। मार्च 3 को देखो क्या है, मार्च 3 को है बोट गुड्स फ्रॉम त्रिशा, ऊपर वाली ट्रांजेक्शन जैसे ही है, त्रिशा से गुड्स खरीदे हैं,
2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं, यहां तक भी वही बात है कि एक परचेज अकाउंट आएगा, उसमें क्या कर दिया। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एक चीज दे दी, पहले आपको 5% कैश डिस्काउंट लिख दिया, फिर ट्रेड डिस्काउंट लिखा है। ये केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे गलती क्या करें, बच्चे गलती ये कर दे कि पहले कैश डिस्काउंट को माइनस कर दे। लेकिन आपको पता है कि जब भी दोनों डिस्काउंट साथ में दिए होंगे तो सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट घटेगा, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट घटेगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लगता है सेल परचेज पे। पहले गुड्स एक्सचेंज होते हैं, पेमेंट तो बाद में होती है, कैश डिस्काउंट पेमेंट पे लगता है। पहले दुकानदार हमें सामान देता है, हम उस सामान को रिसीव करते हैं, तभी तो कैश निकाल के देते हैं, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगता है। तो यहाँ पे 2 लाख की परचेज होनी चाहिए थी लिस्ट प्राइस के हिसाब से, बट क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है तो एक्चुअल प्राइस होगा ट्रेड डिस्काउंट घटा के। तो 2 लाख में से 10%, 2 लाख का 10% बनता है 20,000। तो 20,000 घटा के जो भी अमाउंट बचेगा वो हमारा परचेस का अमाउंट है। तो 2 लाख में से 20,000 घटाए तो 1,80,000 से तो आपकी परचेस डेबिट होगी, ये चीज तो होगी फाइनल। इसके बाद अब देखना है भाई पेमेंट कैसे की है, क्या सारी कैश में ही कर दी जैसे यहां थी, या फिर कुछ और काम है। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी 1,80,000 में से इसका आधा तो तुरंत पेमेंट कर दी। पेमेंट भी कैसे की, चेक से। और जब भी चेक से पेमेंट की जाती है तो बैंक अकाउंट आता है, क्योंकि चेक बेसिकली बैंक से तो पैसा निकालता है। अच्छा ये कह दिया 1,80,000 में से आधी पेमेंट यानी कि 90,000 की तो बैंक से करनी है, और बाकी के 90,000 की पेमेंट कैसे करनी है, क्या कैश में की है, नहीं, कुछ नहीं बताया कि बाकी की पेमेंट कैसे की है। तो इसका मतलब बाकी की पेमेंट त्रिशा के पास अभी उधार ही है, यानी त्रिशा को उधार देना है अमीरी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा 1,80,000 से, एक अकाउंट क्रेडिट होगा त्रिशा, क्योंकि त्रिशा हमारी अब क्रेडिटर है, हमें उसे पैसा चुकाना है। कितना चुकाना है, 1,80,000 का आधा 90,000। बाकी के 90,000 की पेमेंट कर दी, कैश से नहीं की, अब की बार किससे की है, बैंक से की है, तो हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट कितना लिखेंगे, क्या 90,000 लिखेंगे, नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट भी, और आपको पता है जब भी पेमेंट की जाती है तो उस पर कैश डिस्काउंट माइनस होगा। 5% का कैश डिस्काउंट है, यानी देने तो थे 90,000 लेकिन दुकानदार ने 5% की छूट और दे दी पैसा देने के लिए, कैश पेमेंट करने के लिए। तो 90,000 का 10% बनता है 9,000 और 5% बनता है 4,500। सो यहाँ पे डिस्काउंट दिखा देंगे 4,500 से, और 90,000 में से 4,500 घटा दिए, मेरे ख्याल से बचे 85,500। ये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। मैं सॉल्यूशन में भी दिखा देता हूँ आपको दोनों ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शन 1,00,000 रुपए की परचेज थी, उसमें से 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया, और यह कह दिया था सारा पैसा कैश में मिला है, और जब कैश में पैसा मिला नहीं, सभी दिया है तो डिस्काउंट हमें मिला था। दूसरे में था 2 लाख की परचेज की थी, 20% का ट्रेड डिस्काउंट था, वो घटा के 1,80,000 बने थे। आधे चेक से पेमेंट कर दी, जब चेक से पेमेंट की तो 5% का डिस्काउंट और मिला, तो जो चेक से पेमेंट की वो तो हो गया टू बैंक, क्योंकि बैंक गिवर है यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है इसलिए क्रेडिट। बाकी के जो पैसे बच गए वो त्रिशा को भी देने हैं, त्रिशा हमारे लिए क्रेडिटर है, तो 90,000। अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके देख लो, अगर दोनों में बराबर बैलेंस आ रहा है तो चांसेस ये है कि आपने क्वेश्चन सही किया। अगर आप दोनों का बैलेंस करोगे तो 1,80,000 डेबिट साइड में आ रहे हैं ये, और 1,80,000 ही क्रेडिट साइड में आ रहे हैं। 4 मार्च की ट्रांजैक्शन देखो क्या है। अब तक तो पहली दो ट्रांजैक्शन में परचेज किया था, यहाँ पे गुड्स सेल की है, तो परचेज अकाउंट के बजाय क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। तो सोल्ड गुड्स टू नुपुर फॉर ₹50,000। बाकी की चीजें बाद में देखेंगे, पहले स्टेप वाइज चलेंगे। भाई एक चीज समझ में आ गई कि सेल्स होगी, और सेल्स हमेशा आपकी क्रेडिट होती है,
चलिए 50,000 की सेल्स होनी चाहिए थी, 50,000 का ही अमाउंट सेल्स में दिखाते हैं हम अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा तो अब देखो क्या ट्रेड डिस्काउंट है। हाँ है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। जब भी ट्रेड डिस्काउंट होता है तो सेल्स और परचेस का अमाउंट कम हो जाता है जितना डिस्काउंट है उससे। तो 50,000 का 20% बनता है 10,000, तो 10,000 बनता है तो सेल्स तो हमारी फाइनल होगी कि क्रेडिट होगी 40,000 से ट्रेड डिस्काउंट घटा के। अब देखेंगे भाई क्या कुछ आया है, कैश आया है, चेक आया है या फिर उधारी सामान बेच दिया। हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, यानी कि 40,000 रुपए मिलने चाहिए थे गुड्स बेच के, उसमें से ये कह दिया कि आधा पैसा तो कैश के फॉर्म में आया है, चलो अच्छी बात है, और बाकी का आधा चेक में, और उसी दिन चेक में मतलब बैंक से। तो बैंक से आने का मतलब ये हो गया कि हमने सारी सेल्स कैसी की है, कैश सेल्स होगी या क्रेडिट सेल्स होगी, ये कैश सेल्स है। चाहे पैसा कैश में आए चाहे पैसा बैंक से आए, अल्टीमेटली हमारे पास पैसा आ रहा है तो ये कैश सेल्स है, उधार नहीं है कुछ भी। और जितने की भी कैश सेल्स होती है, जब मैं बोल रहा हूँ कैश सेल्स तो उसका मतलब कैश और बैंक दोनों, उतने पे आपका कैश डिस्काउंट लगता है। तो अब जो ये 4% का कैश डिस्काउंट लगेगा ना, ये आपका इस पे भी लगेगा जितना पैसा कैश में मिला है, ये इस पे भी लगेगा जितना पैसा बैंक में मिला। तो देखो 40,000 का आधा 20,000 कैश में मिलना चाहिए था, बट 20,000 जब कैश में मिल रहा था तब हमने डिस्काउंट दे दिया उसको कितने का, 4% का। 4% का डिस्काउंट इसका बनता है 800 बनता है शायद से 800। और ऐसे ही यहाँ पे कि 20,000 मिलने चाहिए थे 800 का डिस्काउंट दे दिया। तो देखो अब एंट्री क्या होगी, एक तो कैश अकाउंट का जिक्र होगा कहीं ना कहीं, एक बैंक का होगा और एक होगा आपका डिस्काउंट का। और जहां कैश बैंक आते हैं वही डिस्काउंट आता है। अब देखो कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, बिजनेस में आ रहा है जा रहा है, बिजनेस में गुड्स बेचे हैं तो कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है, 20,000। 20,000 नहीं आ रहा, 20,000 आना था लेकिन हमने 800 की छूट दे दी, तो कितना आया 19,200 कैश मिला, 19,200 ही बैंक से मिले, 19,200 ही बैंक से मिले। डिस्काउंट कितना दे दिया, एक बार तो 800 का डिस्काउंट दिया जब कैश पेमेंट मिली, एक बार 800 का डिस्काउंट दिया जब बैंक से पेमेंट मिली, तो 1,600 का ये डिस्काउंट दे दिया। अब इसको प्लस करके देख लो, ये 40 होगा और ये भी 40 है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्री क्वेश्चन में। कैश 19,200 मिला, बैंक 19,200, डिस्काउंट 1,600 का, 800 प्लस 800, और सेल्स हुई थी 40,000। ठीक है, अगर ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में करके करोगे तो गलतियां नहीं होंगी। उसके बाद ये थी अपनी 4 तारीख की ट्रांजैक्शन। अब आती है 6 तारीख को क्या ट्रांजैक्शन, ये भी बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है तो ऐसे ही बाइफरकेट करके करेंगे। सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर ₹1,00,000। सबसे पहले तो इतना ही पढ़ो और दिमाग दौड़ाओ। सेल्स की है तो सेल्स अकाउंट होगा, होना चाहिए 1,00,000 रुपए से, जब तक ट्रेड डिस्काउंट का कोई जिक्र ना हो तो। अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो ट्रेड डिस्काउंट घटा के वो अमाउंट सेल्स में आएगा। ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, तो 10% इसका घटा देंगे, 1,00,000 का 10% 10,000, इसका मतलब 90,000 से सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। एक चीज पक्की होगी। अब देखो क्या कुछ मिला है क्या कुछ नहीं मिला। आगे कहा है कि 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट मिलता है जब पैसा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमने गुड सोल्ड की है तो हमें तो पैसा मिलेगा, हमें पेमेंट रिसीव होगी। ये कहा है कि 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। 15 दिन के अंदर अंदर आने का मतलब ये है कि 6 तारीख को सामान बेचा है तो 6 तारीख में 15 दिन जोड़ो, 6 + 15 = 21। 21 तारीख तक तो अगर पैसा मिल गया, चाहे जितना भी मिलाओ, जितना भी पैसा मिलेगा 21 तारीख तक, उस पर कैश डिस्काउंट दे देंगे, छूट दे देंगे।
अगर 21 के बाद किसी ने पैसा वापस चुकाया, जितना भी चुकाया, तो उस पर छूट नहीं देंगे कुछ भी। जितना भी कैश देगा 21 तारीख के बाद, हम पूरा का पूरा रिसीव करेंगे, उस पर कुछ भी उसको बचत नहीं देंगे। अब इसने बताया है कि 80% ऑफ पेमेंट इज रिसीव्ड, यानी 90,000 की सेल्स बनी थी अपनी, 90,000 रुपए आने चाहिए थे ट्रेड डिस्काउंट घटा के, इसका 80% बनता है 72,000। 72,000 रुपए चेक से मिले हैं, चेक से मतलब बैंक से मिले हैं, और बाकी के बारे में कुछ नहीं बताया। बाकी कितने बच गए, 18,000, तो इसका मतलब वो उधार ही रह गए, अभी नहीं मिले तो वो उधार है, उधार तो मतलब अनुराधा के नाम से। ये चीज हुई है। अब इसमें देखो पैसा मिला कब है, हमें ये भी तो देखना है। अगर 21 तारीख तक मिला है तो ये जो 72,000 पैसे मिलने थे इसमें से डिस्काउंट घटा देंगे, तो कब मिला है ये, 18 तारीख को, यानी ड्यू डेट से पहले मिल गया। पहले मिल गया तो इसमें से डिस्काउंट घटेगा, डिस्काउंट कितना घटेगा, कितना था, 5%, तो 72,000 का 5% 3600 बनता है मेरे ख्याल से, तो 3600 का डिस्काउंट दे के बाकी का पैसा बैंक से ले लेंगे। अब यहाँ पे ये तो होगी अपनी बात, अब हम क्या कर देते हैं, इसमें एंट्री कर देते हैं। क्या एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिला, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जितना डिस्काउंट हमने अलाउ किया, अनुराधा अकाउंट डेबिट, जितना पैसा बचता था टू सेल्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जब हमने पहला लेक्चर पढ़ा था जनरल एंट्री का, तब मैंने बताया था कि इसमें एंट्रीज जो होती है ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि डेट वाइज होती है। अगर 6 तारीख की ट्रांजेक्शन है तो वो 6 को ही होगी, 18 तारीख की ट्रांजेक्शन 18 तारीख को होगी, इसको 6 के साथ नहीं दिखा सकते आप। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये जैसे जैसे डेट लिखते हो ना, मार्च 1 मार्च 3, तो हम ये पूरी इकट्ठी एंट्री अब नहीं कर सकते। अब तक तो क्या था, पैसा उसी दिन मिल रहा था, देखो ये था ना जो कैश रिसीव हुआ बैंक से मिला आधा पैसा, उसी दिन मिल रहा था, तो एक ही एंट्री में कर रहे था। अब ये जो पैसे मिलने की कहानी है ये 18 तारीख की, 6 मार्च को क्या हुआ, 6 मार्च को सिर्फ और सिर्फ गुड्स सोल्ड किए, किसे, अनुराधा को। 6 मार्च तक कोई पैसा पूसा कुछ नहीं मिला, नहीं मिला तो हमने उधार बेचे, तो 6 मार्च को सिंपल एंट्री करोगे अनुराधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट घटा के, ये अनुराधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 90,000 से ट्रेड डिस्काउंट घटा के। अगर 6 और 18 के बीच में कोई और ट्रांजेक्शन होंगी तो पहले वो करेंगे, 8 तारीख की, 10 की, 12 की, 14 की, 16 की, जो भी है। यहां लकीली कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो सीधे आ गए हम 18 तारीख को। अब 18 तारीख को क्या हुआ, 18 तारीख को इसका 80% पैसा वापस मिला है। 80% मतलब 72,000, अनुराधा से 90,000 मिलने चाहिए थे लेकिन अब 72,000 मिल गए। देखो इसको डेबिट किया था 90,000 से, यानी कि अनुराधा से 90,000 मिलने चाहिए थे, अब 72 मिल गए तो इसको क्रेडिट कर दिया, यानी इसका बैलेंस 72,000 से कम कर दिया हमने। अब ये मिले थे बैंक के द्वारा यानी चेक से, लेकिन ये हमने डिस्काउंट भी दिया था 3600 का, तो डिस्काउंट 3600 का दिखा के बाकी जितना पैसा मिला वो। तो यहाँ सीखने की चीज ये थी कि अगर अलग डेट है तो अलग अलग एंट्री होंगी। 20 तारीख को देखो क्या है, सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, इतना पढ़ के छोड़ दो। सेल्स हुई है 1 लाख की होनी चाहिए थी लेकिन डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट घटा देंगे, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 80,000 से, यानी 80,000 की सेल्स हुई। उसके बाद है 10% कैश डिस्काउंट, अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर रिसीव होगी, यानी डिस्काउंट तभी देंगे जब पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर वापस मिल गई तो 10 दिन कितने बने, अगर 20 तारीख को गुड्स बेचे हैं तो 10 दिन जोड़ो 30, अगर तो 30 तारीख तक पैसे मिल गए तो डिस्काउंट दे देंगे, नहीं तो पूरी पेमेंट लेंगे। अब देखो क्या है, शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26, हाफ कितना, 80,000 की सेल्स हुई थी ट्रेड डिस्काउंट घटा के, तो 80,000 का आधा 40,000, 40,000 तो उसने क्या कर दिया, पैसा पे कर दिया, और बाकी का
जो 80,000 में से 40 पे कर दिए, कब के ये 26 तारीख को, तो 26 30 से पहले है, इसका मतलब इसमें डिस्काउंट भी देंगे। 40 तो आ गए, जो बाकी के 40 बचे उसका क्या किया, उन 40 का 30%, 40,000 का 30% बनता है 12,000, बाकी के 12,000 दिए 31 मार्च को। अब देखो ये 31 मार्च 30 के बाद आती है, यानी अब इस 12,000 में हम कुछ भी छूट नहीं देंगे। तो पहली चीज तो ये देखो कि ये जो बाकी की एंट्री है ना, ये 26 और 31 तारीख को है, फिलहाल हमें सिर्फ 20 की करनी है। 20 की होगी सिंपल एंट्री, सुधा डेबिट टू सेल्स, सुधा डेबिट टू सेल्स 80,000, 80,000। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। ये था क्वेश्चन कि 80,000 की सेल्स हुई थी, उसमें से 26 तारीख को आधी पेमेंट मिलनी थी 40,000। अब क्योंकि ड्यू डेट से पहले मिली तो 10% का कैश डिस्काउंट घटा दिया 4,000, 36,000 रुपये मिले 36 तारीख को, 26 तारीख को, और 4,000 का डिस्काउंट दे दिया, मिले किससे, अनुराधा से। तो कैश अकाउंट 36,000, डिस्काउंट दिया 4,000 का, अनुराधा नहीं सॉरी सुधा, सुधा से पैसे मिले तो 40,000। फिर 31 तारीख को क्या हुआ, जो बाकी का पैसा बचा है, बाकी का कितना बचा, 80 में से 40 तो मिल गए। अब यहाँ ये मत कर देना कि सर मिले तो 36 ही है, बचे कितने, बचे तो 44 ना, डिस्काउंट हमने अपनी मर्जी से दिया है तो हमने यही मान के दिया है कि हमारे पास पूरी पेमेंट आ गई है, तो बाकी बचे 40। 40,000 का 30% बनता है आपका 12,000, तो 12,000 रुपये आपके 31 तारीख को मिले, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में बस, उसके बाद आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्टार्ट होंगी, वो हम अगली क्लास में देखेंगे कल। 12 तारीख के सॉरी 12th इलस्ट्रेशन है, जिसमें फरवरी 1 की ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग ₹50,000 इन कैश, 4,50,000 इन चेक, बिल्डिंग वैल्यू 20 लाख। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी आता है कि स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस शुरू करने में जो भी चीज लगाई गई है वो कैपिटल होती है। बिजनेस को शुरू करने में मालिक जो भी चीज लगाता है वो कैपिटल होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, क्योंकि कैपिटल पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट में रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट, तो मालिक यहाँ पे गिवर है, मालिक कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, बिल्डिंग दे रहा है, तो आपका कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट। अब जिस फॉर्म में कैपिटल लगाई है वो सारी चीजें डेबिट हो जाती है, जिस फॉर्म का मतलब कैश दिया है तो कैश डेबिट, चेक दिया है तो बैंक डेबिट कर दो या चेक इन हैंड डेबिट कर दो, बिल्डिंग तो बिल्डिंग डेबिट, और जितना भी टोटल पैसा इसका टोटल बनता है वो हमारा कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कैश बिजनेस के अंदर आया, कैश कमिंग इन, डेबिटेड विल बी 50,000, बैंक रिसीवर है, बैंक में पैसा गया, बैंक ने रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर 4,50,000, बिल्डिंग एसेट्स है, रूल फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन 20 लाख, टोटल कैपिटल कितना लगा, 20 लाख की बिल्डिंग और 5 लाख के कैश और बैंक, कुल मिला के 25 लाख की कैपिटल है। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 फॉर 46,000, मनोहर लाल से गुड्स खरीदे जिसका लिस्ट प्राइस तो 50,000 का था, लिस्ट प्राइस 50,000 का मतलब उस जो भी प्रोडक्ट खरीदा उस पर प्रिंटेड था 50,000 रुपये, लेकिन हमें उसने दे दिया 46,000 में, तो बाकी के 4,000 कहा गए, उसने हमें 4,000 का बेसिकली डिस्काउंट दिया। अब ये कौन सा डिस्काउंट है, गुड्स परचेज और सेल्स पे ट्रेड डिस्काउंट होता है, लिस्ट प्राइस पे केवल और केवल ट्रेड डिस्काउंट लगता है, ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री में नहीं दिखाते, सिर्फ अमाउंट माइनस होता है, तो एंट्री तो वही नॉर्मल होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल, बस अमाउंट कम करके दिखाएंगे 46,000, 46,000। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, साहिल से 1 लाख के गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट आना चाहिए। पैसा देखो कैसे मिला है, पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 5% डिस्काउंट,
1 लाख रुपए की परचेज है और ये कह दिया इसका 60% यानी कि 60,000 तुरंत उसी दिन चेक से दे दिया यानी कि बैंक दे दिया। क्यों दे दिया तुरंत? ताकि उसे तुरंत पेमेंट करने के बदले में 5% का डिस्काउंट मिल जाए। तो इसमें से 5% का डिस्काउंट घटा देंगे, 5% का डिस्काउंट इसका 3,000 बनेगा। बाकी के जो 40,000 बच गए वो क्या है? कुछ नहीं बताया भाई, कैश मिला क्या, मिला क्या नहीं मिला। तो बाकी के 40,000 उधार साहिल के नाम। एंट्री देखो, परचेज डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज तो पूरे अमाउंट से डेबिट होगा 1 लाख से। अब 1 लाख डेबिट तो हो गया, क्रेडिट क्या क्या होगा? 2 कैश, कैश तो नहीं बैंक मिला है, बैंक 57,000 डिस्काउंट घटा के, और बैंक आया है तो साथ के साथ कैश डिस्काउंट भी आएगा। 2 डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000, ये तो बने 60,000 डेबिट 1 लाख से। तो बाकी के 40,000 साहिल से, साहिल को देने भी बाकी है। तो 2 साहिल एंड कंपनी 40,000 ये एंट्री। परचेज डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव टू साहिल। 24 तारीख की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 38,000। 40,000 के गुड्स 38,000 में बेच दिए, इसका मतलब 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट है क्योंकि सेल्स पे लगा, इसको दिखाएंगे नहीं, बस अमाउंट कम करके दिखाएंगे। एंट्री वही होगी नॉर्मल सेल्स वाली, किशोर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 38,000 से। लास्ट है सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख एट 20% प्रॉफिट। 1 लाख के गुड्स बेचे हैं लेकिन बेचे कितने में है? 20% प्रॉफिट में। अब देखो यहां पे ना कॉस्टिंग लिखा है, कॉस्टिंग का मतलब होता है दो प्राइस होते हैं, एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेल्स प्राइस। आपने 10th में भी पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में शायद से, या फिर प्रॉफिट वाला कोई चैप्टर होगा। तो एक होता है सेल्स और एक सेल्स प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो होता है जो सामान को तैयार करने की लागत होती है, सेल्स प्राइस होता है जिसमें बेचा गया। तो यहाँ पे बताया है कि 1 लाख रुपए का कोई सामान था, 1 लाख रुपए का, उसको 20% प्रॉफिट में बेचा है, यानी 1 लाख पे तो उसमें लागत लगी थी, उस पे जब बेचा तो 20% और एक्स्ट्रा में बेचा है, तो इसका 20% कितना? 20,000। तो सेल्स प्राइस कितने का हो गया? 1,20,000 का। 1,20,000 में सेल्स किए। अब 1,20,000 तो प्राइस है जो हमारा टोटल अमाउंट आया है, लेकिन आगे बताया कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया, यानी 1,20,000 उसकी वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इनवॉइस प्राइस क्या होगा, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट घटा के। ट्रेड डिस्काउंट 10% का है तो 12,000 की छूट दे दी जब गुड्स बेचे गए, 12,000 इसमें से घटा देंगे तो 1,08,000। अब ये है वो अमाउंट जो सेल्स में आएगा, सेल्स 1,08,000 से क्रेडिट होगी। हमने क्या किया? पहले प्रॉफिट जोड़ा, प्रॉफिट जोड़ने के बाद हमने ट्रेड डिस्काउंट घटाया। तो एक चीज क्लियर होगी कि सेल्स क्रेडिट होगी 1,08,000 से। आगे देखो क्या है, कनिका ने 40% पेमेंट इमीडिएटली दे दी, इसका 40%। अब 40% कैलकुलेट कर लेंगे हम जितना भी बनता है, वो तो क्या हुआ, बैंक के द्वारा तब के तब आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इसका 40% निकालेंगे, लेकिन 5% का कैश डिस्काउंट भी देना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, साथ के साथ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 1,08,000 का 40% निकाल के उसमें से 5% का कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे, और 5% का कैश डिस्काउंट ये भी डेबिट हो जाएगा। बाकी का जो पैसा बच गया वो जो है अभी उससे लेना रहता है, किससे? कनिका से। तो कनिका अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाकी के अमाउंट से। 2 सेल्स हमने देखे लिए 1,08,000 की। मैं पहले तो आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। देखो 1,08,000 तक तो आई गया हमारा, उसके बाद 40% इसका बनता है 43,200। इतने हमें बैंक से मिलना चाहिए था लेकिन डिस्काउंट दे दिया तो बैंक से मिला 41। इतना ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट,
बाकी का जो बच गया वो जो भी नाम था कनिका, अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड कनिका एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स। तो ये दो क्वेश्चंस थे, कल वाले ही टॉपिक को थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस थे ये। कल के क्लास में हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस देखेंगे, मेनली तो ट्रांजैक्शंस इसमें हमने कवर कर ली थी जब हम पीपीटी डिस्कस कर रहे थे। बस ये जो यहाँ से लेके ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं इन्हें डिस्कस करना है हमें, बस कल की क्लास में इन्हें डिस्कस करके फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही करेंगे। सारी ट्रांजेक्शन इसमें डिस्कस ना करके क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही था।